What's up everybody, my name is Sakshi Patel and you're watching my channel Pages, in which the topic for today is kinship. Kinship matlab hota hai relationship, that means rishte nate hamari zindagi mein jo itne important hain. Actually ye rishte bane kyun hain, aaj hum wahi dekhne wale hain. Sabse pehle ye samjho ki jo kinship hai ye universal hai. Aapko har society mein, aap Australia chale jao, आप न्यूजीलैंड पहुंच जाओ, इंडिया में देखो, दुबई में जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, एवरीवेयर आपको किनशिप रिलेशनशिप देखने को जरूर मिलेगा. ठीक है, प्लस ये किस में मदद करता है, सोशलाइजेशन में. कोई इंसान किस तरीके से खा रहा है, कपड़े पहन रहा है, बातें कैसे करना है, किसको तू बोलना है या फिर किसको आप बोलना है. ठीक है, तो ये वाला जो चीज़ है आप हर चीज़ स्कूल में नहीं सीख सकते हो ना. आपको सबसे पहले क्या होगा कि घर आपका पहला स्कूल होता है, ऐसा माना जाता है, राइट. तो सोशलाइजेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इंस्टीट्यूशन है जिसमें आप ये सब चीज़ सीखते हैं, वो होता है किनशिप का. प्लस इससे हमारा जो सोशल यूनिटी है, आपस में लोग ग्रुप में जो रहते हैं, ये किनशिप की मदद से रहते हैं. रॉबिन फॉक्स का कहना है कि किनशिप इज सिंपली द रिलेशन बिटवीन किन्स. ओके, किन्स मीन्स रिश्तेदार आपके. दैट इज पर्सन रिलेटेड बाय रियल आइदर प्यूटेटिव और फिक्टिव कॉन्सेंग्विटी. ओके, इसका मतलब ये होता है कि चाहे वो मुंहबोले हों, चाहे ब्लड रिलेशन से आपके भाई बहन हों, या फिर मैरिटल बॉन्ड से शादी करके आप किसी को लाए हों, तो भी हम उन्हें किन्स ही कहेंगे. थर्ड इज दी एबरक्रॉम्बी. ओके, एबरक्रॉम्बी का कहना है कि द सोशल रिलेशनशिप रिलेटेड बाय ब्लड टाइज एंड मैरिज आर कलेक्टिवली रिफर्ड एज किनशिप. तो ये इंपॉर्टेंट दो डेफिनेशन है जो कि आप, हो सकता है कि स्कूल में जाके या फिर अगर आप कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, आइदर कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो सोशल आप पर्सपेक्टिव से देखा जाए या फिर मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, काफ़ी अच्छा होगा, लिखो, मार्क्स काफ़ी मिलेंगे. ओके, द थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ किनशिप. अब ये प्रिंसिपल ऑफ किनशिप क्या होता है, तो चार फंडे हैं किनशिप के. इस चार फंडे को अपने दिमाग में बैठा लो, पूरी की पूरी किनशिप समझ में आ जाएगी. पहला है द वुमेन हैव द चिल्ड्रन. ओके, द मैन इम्प्रेगनेट द वुमेन. ओके, द थर्ड वन इज मैन यूजुअली एक्सरसाइज कंट्रोल. देन प्राइमरी किन डू नॉट मेट विद ईच अदर, है ना. अब किनशिप आर ऑफ टू टाइप्स, एफाइनल किनशिप होती है एंड कॉन्सनग्विनियस किनशिप होती है. अब ये एफाइनल किनशिप एंड क्या कहते हैं कॉन्सनग्विनियस किनशिप, ये सब होता क्या है, तो देखो कॉन्सनग्विनियस किनशिप जो होता है, इसमें कोई भी इंसान ब्लड से दूसरे से रिलेटेड रहता है, राइट. जैसे कि आपके पापा, देन मैं, आपके पापा हो गए, ठीक है, आप हो गए, आपके चाचा, आपकी मासी, आप लोग ब्लड रिलेशन से एक हो. बट एफाइनल किनशिप वो होता है जो कि हम मैरिटल किनशिप भी कह सकते हैं, शादी करके किसी को लाया गया है और उसके बाद वो आपसे रिलेटेड हो गए हैं, लाइक योर मॉम एंड डैड, है ना, आपके मामा मामी, आपके चाचा चाची, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, इन सब का जो रिलेशनशिप है, ये फाइनल किनशिप के कारण आता है. नाउ डेसेंट देखेंगे, ये होता क्या है. डेसेंट मतलब होता है वंश. ओके, देखो सोशल रिकग्निशन या फिर सरनेम बाय विच पीपल आर नोन इन सोसाइटी. मेरा सरनेम पटेल है, आपका सरनेम कुछ और होगा, किसी दूसरे का सरनेम कुछ और होगा, तो ये सब क्या है, ऑब्वियसली बॉस ये डेसेंट है, इसी को हम वंश कहते हैं, ठीक है. तो थ्री बेसिक रूल्स ऑफ डेसेंट देखते हैं. पहला होता है पेट्रिलिनियल डेसेंट, दूसरा होता है मैट्रिलिनियल डेसेंट एंड बाइलेटरल डेसेंट. एक एक करके देखते हैं. ओके, पहला है पेट्रिलिनियल डेसेंट, इसका मतलब कि जिसमें आपका जो सरनेम है आपके पप्पा के अकॉर्डिंग चलेगा. मैट्रिलिनियल डेसेंट मतलब कि जिसमें आपकी जो मम्मा है उनका सरनेम को आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो. बाइलेटरल डेसेंट क्या होता है, जिसमें कई बार हो सकता है कि आप अपने पापा का सरनेम यूज़ कर रहे हो, कई बार आपके मम्मा का सरनेम यूज़ कर रहे हो. ऐसा जनरली हमारे हिंदू सोसाइटी में होता नहीं है, लेकिन तो भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे हैं सोशियोलॉजी में जो आपको देखने को मिलेंगे. जैसे कि याको ऑफ नाइजीरिया समटाइम्स यूज पेट्रिलिनियल डेसेंट एंड समटाइम यूज मैट्रिलिनियल डेसेंट. ओके, इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ डेसेंट ये है कि डेसेंट वंश ये सब बनाया क्यों गया, इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा ना, तब तो ये सब हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, इतना जूझ रहे हैं भाई पढ़ने के लिए. तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो रूल ऑफ डेसेंट है वो ये है कि पर्सन कम्स टू नो अबाउट हिज ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स. जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं, आपको कैसे पता चलेगी, ऑब्वियसली वंश के वजह से, है ना. सेकेंड इज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन गो नॉर्मली अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ डेसेंट.
जो बड़ा रहेगा उसको पहले मिलेगा, जो छोटा है उसको बाद में मिलेगा, ऐसे टाइप का जो लाइन ऑफ डेसेंट होता है ये अकॉर्डिंगली डेसेंट वंश के अकॉर्डिंग मिलता है, इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग मिलता है. ओके नाउ अब देखने वाले हैं हम कि कितने लोग पास है कितने लोग दूर है उसके अकॉर्डिंग जो कहते हैं कैटेगराइजेशन होता है ना पूरा का पूरा किनशिप का, है ना, कि किस टाइप की किन्स होते हैं, प्राइमरी किन्स, पास के, दूर के एंड टर्शरी किन्स, बहुत दूर के, वो सब हम पढ़ने वाले हैं. तीन होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ठीक है, हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो क्योंकि मैं एक्चुअली फ़ोन से पढ़ाती हूँ ना, तो बात यह है थोड़े बहुत जल्दी जल्दी कुछ कुछ करो ताकि मैं अपना नया लैपटॉप वगैरह ले सकूँ, उसके बाद और बेहतरीन तरीके से आप लोग को पढ़ा सकूँ. ऑलराइट, सो हेल्प मी फॉर दैट. और बाकी आप लोग मुझे अनअकैडमी में भी देख सकते हैं जाके, आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप मेरा प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं. मैं स्पेशली सोशियोलॉजी पढ़ाती हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाती हूँ लाइक बायोलॉजी वगैरह, बट मैं इसमें कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को सोशियोलॉजी का पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊँ. अगर आप लोग को लगता है कि मैं कोई और लेसन्स भी बनाऊँ, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट प्लस सोशियोलॉजी टू एंड इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, आई कैन टीच मैनी कोर्सेज एज वेल एज सब्जेक्ट्स. तो अगर आपको लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एंड बताइएगा लेसन्स कैसा लग रहा है एंड मुझे और कौन से नए टॉपिक लेने चाहिए. अगर कोई डाउट्स हो तो भी आप नीचे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपको रिप्लाई करूँ. ओके सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्राइमरी किन्स क्या होता है? प्राइमरी किन्स मतलब कि एक न्यूक्लियर फैमिली है, चार लोग हैं, मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई. ठीक है, उसमें जो हम लोग चारों हैं, हम लोग का जो रिलेशनशिप है ना ये प्राइमरी किन वाला है. तो ऐसे आठ प्राइमरी किन्स होते हैं. पहले होते कि हस्बैंड वाइफ, फिर हो गए सन मदर, फिर फादर डॉटर, मदर डॉटर, देन एल्डर सिस्टर एंड यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, इस टाइप का चीज. ठीक है, तो प्राइमरी किन्स मतलब जो बहुत पास के हो गए ना वो हो गए प्राइमरी किन्स. सेकेंडरी मीन्स थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा और दूर के ले जाते हैं. इसमें 33 टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें आठ हो रहे थे इसमें 33 होते हैं. जैसे कि हमारे मामा हो गए, हमारे चाचा हो गए, हमारी ब्रदर्स वाइफ जो कहलाती है ना सिस्टर इन लॉ ऐसा वाला वो हो गए, जीजा जी हो गए, ये सब थोड़े दूर के हो गए. अब बहुत दूर का देखते हैं, दैट इज टर्शरी किन्स. मतलब कि सेकेंडरी किन्स के अलावा जितने भी लोग बच गए ना सब टर्शरी में आ जाते हैं. जैसे कि तुमको कोई बुआ बोलता होगा, है ना, सपोज तुम लड़की हो, तुम्हें कोई बुआ बोलता होगा, तो वो जो रिलेशनशिप है ये टर्शरी किन्स वाला है. या फिर तुम्हारे हस्बैंड का जो ब्रदर हो गया, ठीक है, ये सब बहुत दूर दूर के रिलेशनशिप होते हैं, ये सब कहलाते हैं तुम्हारे टर्शरी किन्स. अब देखते हैं तीसरा, अब देखेंगे लीनिएज, क्लैन, फ्रेट्री, मोइटीज, ये सब क्या होता है. प्रोनंसिएशन थोड़ा देख लेना, हमारे टीचर ऐसे ही बोलते थे तो मैं ऐसा बोलती हूँ. ठीक है, बाकी आप लोग प्रोनंसिएशन किस तरीके से करते हैं देख लीजिएगा. तो फर्स्ट लीनिएज, लीनिएज मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन जो कि सीरियल वाइज चली आ रही है, चाहे तुम्हारे पापा की लाइन हो, सरनेम मेरा पटेल है तो पटेल 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 ये पूरा चलते आ रहा है. मेरी मम्मी का सरनेम सपोज मेरी मम्मी का तलवर है सपोज के, तो तलवरे 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 कुछ इस तरीके से चलते आ रहा है. ठीक है, तो जो लाइन ऑफ डेसेंट ऐसी ही कहलाती है. आपको आपकी जो लाइन है कि मेरे परदादा ये थे, उनके और पापा ये होंगे और ऊपर के लोग ऐसे होंगे, फोर फादर्स इस तरीके से होते होंगे, तो इसे हम लीनिएज कहते हैं. ठीक है, दूसरा होता है क्लैन या फिर सिब. क्लैन या फिर सिब मतलब कि इन लोग कहते हैं या फिर क्लेम करते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये कॉमन हुआ करते थे. जैसे मेरे एंसेस्टर सपोज आपके एंसेस्टर या फिर कुछ हमारा ग्रुप हुआ, हम कहेंगे कि हमारे जो एंसेस्टर थे ना ये सब सेम थे, इसलिए हम सब एक दूसरे के रिलेटिव हैं. तो इसे ही हम क्लैन कहते हैं या फिर सिप कहते हैं. ओके, तो इसके कारण क्या होता है कि इनको अपने परफेक्ट लीनिएज के बारे में नहीं पता है कि हमारे जो परदादा थे वो तुम्हारे भी कुछ समथिंग होंगे और उनके समथिंग समथिंग भी आपके कुछ समथिंग समथिंग होंगे. अरे यार, मतलब काफ़ी इसमें ना प्रॉब्लम्स होता है. ठीक है, ये क्लैन एंड सिप वाले में, लेकिन इतना बस समझ लो कि कॉमन एंसेस्टर को इन लोग मानते हैं. प्लस इन लोग क्या करते हैं कई बार कि कॉमन एनिमल की पूजा करते हैं, कॉमन ट्री की पूजा करते हैं. बहुत सारे टैबूज होते हैं, टैबूज मतलब कि प्रोहिबिशन होता है. ठीक है, अगर किसी को नहीं पता हो तो. प्लस ये बहुत सारी चीज़ों को नहीं खाते हैं या फिर फ्लैश को खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, ऐसा हो जाता है. तो ये क्लैन का एक पार्ट है. अब देखेंगे फ्रेटरी. फ्रेटरी क्या होता है? अब बहुत सारे जो
कॉलेजेस होते हैं वो मिलके एक यूनिवर्सिटी बनाते हैं, है ना। वैसे ही बहुत सारे जो क्लैन होते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि हमारे कॉमन एंसेस्टर्स सेम हैं, वो लोग क्या करते हैं कि क्या बहुत सारा जो ग्रुप होता है ना क्लैन का, उसे हम फ्रेटरी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने का ज़रूरत नहीं। मोइटीज क्या होता है? मोइटीज मतलब कि हियर द डेसेंट, जो वंश है वो टू मेन डिविजन्स में डिवाइड हो जाता है। आपका इतना हो गया, मेरा इतना हो गया, उसे हम मोइटीज कहते हैं। सपोज कि कोई वंश है ना, सपोज कोई हम क्या सरनेम लें, चलो मेरे ही सरनेम ले लेते हैं, पटेल, ठीक है। तो हमारे में क्या होगा कि हम लोग कोई दो पार्ट में डिवाइडेड रहेंगे। एक कुछ ऐसे पटेल्स रहेंगे जो कि सब्जी भाजी उगाते हों, कुछ पटेल्स ऐसे रहेंगे जो कि सपोज ट्रेडिंग का काम करते हों, ठीक है। तो ये डिवीजन जो कहलाते हैं, ठीक है, यही मोइटीज होते हैं। आपकी फर्दर डिवीजन ऑफ द डेसेंट, इसे हम मोइटीज कहते हैं। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ये चार में ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये लीनिएज, क्लैन, फ्रेटरी, मोइटीज, थोड़ा थोड़ा एक एक बार इसको पढ़ लोगे ना तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे हम किनशिप का आखिरी चीज़, विच इज़ किनशिप यूसेजेस। यूसेजेस मतलब कि जो रीति रिवाज, रूल्स, ये सब जो कि हम किनशिप में देखते हैं। देखो हर स्कूल में क्या होता है या फिर हर इंस्टीट्यूशन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ रूल्स लगते हैं। अगर आप रूल्स नहीं बनाते ना तो कोई कुछ भी करता रहता है। इसीलिए किनशिप भी एक टाइप का तो इंस्टीट्यूशन ही है ना। तो इसमें हम देखेंगे क्या क्या रूल्स बनाए गए हैं डिसिप्लिन के लिए। तो सबसे पहला जो रूल है वो है रूल ऑफ अवॉइडेंस। रूल ऑफ अवॉइडेंस का मतलब ये है कि जो अपोजिट सेक्स के लोग रहेंगे, मेल एंड फीमेल, ठीक है, चाहे वो ससुर हो, उनकी बहुएं हो, चाहे वो जेठ जी हो या फिर उनकी समथिंग बहू, उसको जो भी बोलेंगे, ठीक है, इस तरीके से आमने सामने जनरली नहीं आएंगे, है ना। तो इसे ही थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, एक दूसरे को घूंघट डाल के आएंगे या फिर सामने से निकलेंगे ही नहीं। ये सब चीज़ रूल्स ऑफ अवॉइडेंस कहलाता है। कई बार क्या होता है कि जब न्यूली मैरिड लोग रहते हैं ना तो अपनी सास के सामने भी कई बार नहीं जाती है बहुएं, या फिर घूंघट लेके ही जाती हैं। तो ये सब जो रूल्स ऑफ अवॉइडेंस के अंदर ही आ जाता है। आप एग्जांपल्स में अगर देखेंगे कि डॉटर इन लॉ शुड अवॉइड फादर इन लॉ, ऑब्वियसली मैंने तो अपने घर में भी ये वाला चीज़ देखा हुआ है, ठीक है। देन यू का फिर जो एक होता है ट्राइब, उसमें हम देखेंगे कि सन इन लॉ इज़ नॉट सपोज टू सी फेसेस ऑफ हिज मदर इन लॉ। मतलब कि क्या कहेंगे कि सपोज कि मेरी शादी हो गई, ओके, तो मेरे जो हस्बैंड रहेंगे वो मेरी मम्मा का फेस को नहीं देखेंगे। ऐसा मेरे उसमें नहीं हो रहा, ऐसे यू काफिर ट्राइब में ऐसा हो रहा है, तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है, ओके। प्लस जोकिंग रिलेशनशिप। जोकिंग रिलेशनशिप क्या होता है? जोकिंग रिलेशनशिप मतलब कि आप टीज कर सकते हो, काफ़ी मजाकिया रिलेशनशिप, जो जीजा साली में रहता है ना वैसा वाला रिलेशनशिप देखेंगे। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीजा साली में, आगे इसके काफ़ी एग्जांपल्स है, जो कि मैं खुद जब इस चीज़ को पहली बार मैंने पढ़ा था फर्स्ट ईयर वगैरह में तो मैं काफ़ी शॉक्ड हुई थी, ठीक है। तो इसका है कि जैसे कि क्रो इंडियंस जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो जीजा है प्लस उनकी जो सालियाँ हैं वो इतनी फ्रेंडली रहती हैं कि दे कैन टॉक इवन अबाउट दी सेक्स रिलेटेड मैटर्स, पहला चीज़। फिजी आइलैंड में क्या होता है कि जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, वहाँ के जो ओरिजिनल निवासी थे, उसमें सन इन लॉ जो होते हैं, ठीक है, वो कुड बी वेरी फ्रेंडली विद द फादर इन लॉ एंड आस्क फॉर एनीथिंग टू हिम। और अगर वो नहीं माने कि सपोज किसी के फादर इन लॉ नहीं मान रहे कि ऐसा हम नहीं दे पाएंगे, तो कुछ भी चीज़ को वो फन के लिए, मजाक के लिए तोड़ फोड़ देंगे और आपको बेयर करना पड़ेगा भैया। अगर आप गुस्सा हो गए तो फिर काफ़ी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो आपको हार्शली रिएक्ट नहीं करना है उस समय, आपको उस चीज़ को अंदर ही, भले कितना भी गुस्सा हो लेकिन सामने में बेटे बेटे कुछ इस तरीके का चीज़ करना है, ओके। तो ये दूसरा चीज़ था किनशिप यूसेजेस एंड रूल्स। अब और आगे देखेंगे टेक्नोनॉमी। टेक्नोनॉमी में क्या होता है? इट मीन्स लाइक वाइफ डज नॉट टेक नो नेम ऑफ अ हस्बैंड। ये तो काफ़ी कॉमन है भाई, आप लोग मूवीज़ में, पुरानी मूवीज़ में वगैरह वगैरह काफ़ी ये सब चीज़ देखे होंगे कि डायरेक्टली हस्बैंड का नाम नहीं लिया जाता है, उनको बोला जाता है लाइक किसी पप्पू के पापा, राजू के पापा, या फिर इसके पापा, उसके पापा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कई बार जो इनफैक्ट जो क्या कहते हैं उनको,
grandfathers and grandmothers एक दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, है ना, या फिर बोला जाता है इसके दादा उसके दादा, डायरेक्टली नाम नहीं लेते. अपने बेटे का नाम अगर वो लेना, कोई सपोज औरत छोड़ रही है तो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन का नाम लेती है और बोलती है कि इसके दादा उसके दादा, है ना, तुम आओ. नाउ सेकेंड पॉइंट इज हम देख रहे हैं कि एवनक्यूलेट. एवनक्यूलेट मतलब कि ये जो स्पेशल रिलेशनशिप है बिटवीन दी जीजा और साले में, इतना ज़्यादा ये स्पेशल रिलेशनशिप होता है ना कि जो उनके भांजा भांजी रहते हैं उन पे पूरा कंट्रोल लगभग मामा का रहता है, है ना, काफ़ी अच्छा कंट्रोल रहता है. ऐसा नहीं कि वो दिमाग ख़राब कर रहे हैं फिर कुछ कर रहे हैं, घर में मदद करना, काफ़ी कुछ चीज़ कर देना जीजा के एब्सेंस में, ये सब जो काम रहता है ये एवनक्यूलेट वाला चीज़ है, ये एक यूसेज है, ट्रेडिशन है, है ना. थर्ड वन इज एमिटेट. एमिटेट इमिटेट नहीं है ना, कन्फ्यूज नहीं होना, एमिटेट. इसमें क्या होता है कि बुआ को काफ़ी कुछ स्पेशल उनको दिया जाता है, ओहदा दिया जाता है, जैसे कि जो टोडाज चाइल्ड जो होते हैं, टोडा एक ट्राइब है, उसमें जो फादर्स की जो सिस्टर रहती है, दैट मीन्स जो बुआ रहती है, वो जनरली नाम रखती है बच्चों का, उनके जो बच्चे हो रहे हैं बुआ जनरली उनका नाम रख रही है. मेरा अगर भाई है उसका अगर कोई बेटा बेटी कुछ भी होगा तो सपोज मैं उसका नाम रखूंगी, तो इस यूसेज को हम एमिटेट कहेंगे. ओके, नाउ फोर्थ वन इज कोविड, और ये सबसे लास्ट है फाइनली. सो कोविड मतलब क्या होता है कि जब कोई भी वाइफ अपने बच्चे को जन्म देती है तो जो हस्बैंड रहते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व डाइटिंग करते हैं कुछ, ठीक है, और बहुत सारे कुछ कुछ प्रोहिबिशन रहते हैं, टैबूज रहते हैं, वो सब चीज़ को निभाते हैं, फास्ट करना हो या फिर कुछ कुछ बहुत सारे टैबूज रहते हैं. इसके तो काफ़ी फर्दर पॉइंट्स थे, लेकिन आप बस इतना समझ जाओ कि कोविड मतलब होता है कि अगर किसी को जन्म दे रही है उसकी माँ, तो उसके जो हस्बैंड रहेंगे ये बाहर जाके दिन रात काम नहीं करते रहेंगे, प्लस वो डाइट, उसके बदले वो क्या करेंगे, डाइटिंग करेंगे और कुछ कुछ अलग अलग चीज़ें करेंगे. सो दिस इज द एंड ऑफ द लेसन. आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है. बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बताइए, कॉमेंट बॉक्स पर लिखिए.